नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन है पाल कला, उसके बारे में पढ़ेंगे। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर्स को सटीक शब्दों में लिखने की कोशिश की गई है, आप इसे देखें। उम्मीद है आपको इसमें लिखी सारी बातें समझ में आएंगी, आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। साथ ही थोड़ा वीडियो लेट अपलोड हो रहा है, जिसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियोस, करंट रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं, या फिर आप अगर प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब से संबंधित वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है पाल कला, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा इंट्रो डालेंगे पाल कला के बारे में, फिर पाल कला वाकई में क्या है इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे, क्योंकि आप जितना पॉइंट वाइज आप अच्छा पॉइंट अगर लिखते हैं तो बहुत आसानी होती है उसे पढ़ने में, और आंसर्स भी आपका ज़्यादा समय नहीं लेता और सटीक होता है। तो देखिए कहता है कि पाल कल वंश का जो शासन काल है ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य था, ठीक है। प्री के भी कुछ फैक्ट आपको मिलेंगे, तो आप इसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप नोट करें। फिर कहता है बिहार के मध्यवर्ती भाग एवं बंगाल के क्षेत्रों में पाल वंश का शासन था। पाल शासकों ने हिंदू तथा बौद्ध धर्मों को संरक्षण दिया था। अब देखिए हिंदू और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, तो इससे संबंधित जो कला होगी उसमें जो है इन दोनों धर्मों का प्रभाव हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। पाल वंश का शासन काल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, यह जो है बिहार के मध्यवर्ती भाग और बंगाल के क्षेत्रों तक सीमित था। पाल वंश के शासकों ने हिंदू और बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण दिया था। अब देखिए पाल कला को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। देखिए काफी शानदार डायग्राम है, आप इस तरह से जरूर बनाएं। पहला है स्थापत्य कला, दूसरा है चित्रकला और तीसरा है मूर्ति कला। ये तीन भागों में जो है पाल कला को बांटा गया है। कौन कौन सा? स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला। अब देखिए स्थापत्य कला के भी दो भाग हैं, कौन कौन सा? महाविहार, दूसरा है स्तूप या चैत्य। क्लियर है? फिर देखिए मूर्ति कला के तीन भाग हैं, कौन कौन सी है? देखिए कांस्य मूर्ति कला, प्रस्तर मूर्ति कला और मृण मूर्तियां, है ना। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्थापत्य कला के दो भाग हैं, है ना। कौन कौन से? देखिए एक महाविहार हो गया, दूसरा है स्तूप या चैत्य। फिर मूर्ति कला के तीन भाग हैं, कौन कौन से? कांस्य मूर्ति कला, प्रस्तर मूर्ति कला और मृण मूर्तियां। उम्मीद है यहां तक आप समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये स्थापत्य कला में क्या आता है, क्या बातें कही गई है। देखिए स्थापत्य कला में जो हम लोग पहला भाग देखेंगे महाविहार। महाविहार के अवशेष उदंतपुरी, वर्तमान में जो कि बिहार शरीफ है, उदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला से प्राप्त हुए। पीटी फैक्ट भी आपको मिल गया, है ना। महाविहार का अवशेष कहाँ से मिला है? उदंतपुरी से, नालंदा से और विक्रमशिला से। देखिए उदंतपुरी महाविहार की स्थापना गोपाल द्वारा की गई थी। उदंतपुरी जो है वर्तमान में बिहार शरीफ, इस महाविहार की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने, ठीक है, जो कि पाल वंश का संस्थापक भी था। क्लियर है? कई सारा पीडीएफ फैक्ट मिल रहा है, सवाल पूछ सकता है पाल वंश का संस्थापक कौन था, सवाल पूछ सकता है उदंतपुरी महाविहार की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखें आप। अब देखिए विक्रमशिला महाविहार एक प्रकार का विश्वविद्यालय था, जहां पर बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी, यह वर्तमान में भागलपुर में है। महाविहार के बारे में इतना बात हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा? तो सबसे पहले महाविहार का अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये मिला हम लोग को कहाँ से? उदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला से। अब देखते हैं ये जो उदंतपुरी है इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल किन्ने की थी, और गोपाल ही जो है ये पालवंश का संस्थापक था।
अगला महाविहार था हमारा विक्रमशिला। विक्रमशिला महाविहार जो है बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन का उसमें जो है शिक्षा दिया जाता था, और इस महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यह वर्तमान में भागलपुर में है। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्थापत्य कला का जो दूसरा पार्ट था स्तूप या चैत्य, ये देखिए ये क्या है। देखिए पाल शासक महीपाल द्वारा काशी में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। महीपाल ने काशी में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इन मंदिरों में ही देखिए कहलगांव का गुफा मंदिर पालकालीन है ना, कहलगांव का गुफा मंदिर है पालकालीन, ध्यान रखें। एवं गया के विष्णुपद मंदिर का कुछ अंश भी पालकालीन है, ध्यान रखें आप, ठीक है। गया का जो विष्णुपद मंदिर है उसका कुछ अंश भी पालकालीन है, जबकि अन्य शेष भाग जो है ये रानी अहिल्या होलकर द्वारा बनवाया गया था। क्लियर है स्तूप चैत्य के बारे में। अब देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्थापत्य कला की विशेषता क्या है। देखिए स्थापत्य कला पर हिंदू एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रभाव है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि पाल शासकों ने हिंदू तथा बौद्ध धर्मों को संरक्षण दिया था, तो इनकी जो कलाएं होंगी उस पर स्वाभाविक बात है कि हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रभाव होना दिखना लाजमी है इस पर। तो देखिए स्थापत्य कला के अंतर्गत महाविहारों के साथ साथ बौद्ध भिक्षु का निवास केंद्र भी बनवाया गया था। क्लियर है, ये इसकी विशेषता है। अब देखिए पाल कला के अंतर्गत जो दूसरा था चित्रकला। चित्रकला में देखिए भित्ति चित्र जो दीवारों पर बनाई जाती थी एवं पांडुलिपि चित्र दोनों का प्रचलन था, ठीक है। देखिए भित्ति चित्र जो है ये दीवार पर, जबकि पांडुलिपि चित्र जो है ये ताड़ पत्रों पर चित्रित किए जाते थे। अब देखिए पालकालीन जो चित्रकला है, चित्रकला की जो शैली है उस पर महायान शाखा का प्रभाव था, साथ ही चित्रकला पर तंत्र मंत्र का भी प्रभाव झलकता है। देखिए तंत्र मंत्र कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से संबंधित हो गया है ना, महायान, हीनयान, महायान। चित्रकला में प्रमुख रूप से लाल, नीले एवं काले रंगों का प्रयोग किया जाता था। छोटी छोटी बातें आप लिखें, आंसर को काफी आसान बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ये जो चित्रकला होती थी इसमें किन किन रंगों का प्रयोग होता था, लाल, नीले, काले जैसे रंगों का प्रयोग किया जाता था। अब जो भित्ति चित्रकला होती थी उसमें देखिए क्या क्या बनाया जाता था, वृक्ष, फूल, ज्यामिति आकृति तथा पशुओं के चित्र आदि बनाए जाते थे, है ना। और भित्ति चित्रकला जो है, भित्ति चित्रकला का अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, नालंदा से प्राप्त हुए हैं। देखिए इसमें एक काफी शानदार फेमस एग्जाम्पल है, अष्ट साहसरिक प्रजा रमित एवं पंच रक्षक पाल कला का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। देखिए भित्ति चित्र हो गया जो दीवालों पर बनाई जाती थी, और एक चित्र होती थी जो पांडुलिपि पर बनाई जाती थी। इसमें ये लोग लाल, नीला, काला आदि रंगों का प्रयोग करते थे। भित्ति चित्रकला में देखिए वृक्ष, फूल, ज्यामिति आकृति, पशुओं के चित्र आदि बनाया जाता था। अगला है हम लोग का मूर्तिकला। मूर्तिकला में देखिए हम लोग पढ़ेंगे कांस्य मूर्तिकला। देखिए कांस्य मूर्तिकला कैसे बनाई जाती थी, कांसे की मूर्ति सांचे में ढालकर बनाई जाती थी। कैसे, किसी सांचे में ढालकर कांसे की मूर्ति बनाई जाती थी। धीमान व धीमान का पुत्र विठल विठपाल प्रमुख कांस्य मूर्तिकार थे। ये बहुत बार पीटी में पूछा जा चुका है, ध्यान रखें, ठीक है। धीमान और उसका पुत्र जो था ये प्रमुख कांस्य मूर्तिकार थे, और ये दोनों जो है धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे, ठीक है। अब देखिए कांस्य मूर्तिकला में बौद्ध तथा हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनाई गई है, ठीक है। देखिए बौद्ध गया, राजगीर, भागलपुर, नालंदा से कांस्य मूर्ति कला का अवशेष मिला है। तो कांस्य मूर्ति कला क्या हुआ, देखिए ये जो है ढाल कर, सांचे में ढालकर बनाया जाता था,
सांचे में ढालकर बनाया जाता था, और धीमान और इसका पुत्र जो है ये प्रमुख मूर्तिकार थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तर मूर्तिकला की तरफ देखिए, पाल कालीन प्रस्तर मूर्तियां कला मूर्ति जो होती थी ये परिपक्वता का प्रदर्शन करती है। ये मूर्तियां जो हैं हस्त निर्मित हाथों से बनाई जाती थी, जो कि काले बिसाल्ट पत्थर से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? काले बिसाल्ट पत्थर से। और ये पत्थर जो है संथाल परगना और मुंगेर से प्राप्त होता था। ठीक है, मूर्तियां जो है किससे बनाई जाती थी? काले बिसाल्ट पत्थर से और हाथों से। देखिए प्रस्तर मूर्तिकला में मुख्य रूप से शरीर के अग्र भाग का दृश्यांकन किया जाता था, शरीर के आगे वाले भाग का दृश्यांकन किया जाता था। इस कला के अंतर्गत हिंदू देवी देवता तथा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। देखिए जब इन लोगों ने हिंदू और बौद्ध को संरक्षण दिया, तो जो भी कला किया जाएगा इन लोगों के द्वारा या जो किया गया उसमें हिंदू और हिंदू देवी देवता तथा बौद्धों का ही इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए बुद्ध की मूर्तियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के चिन्ह जैसे मंजूश्री, तारा, मैत्रेय आदि का प्रदर्शन मूर्तियों में किया जाता था। ये सारे चिन्ह जो हैं बुद्ध से संबंधित हैं। प्रस्तर मूर्तिकला में महात्मा बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं जैसे कि जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, निर्वाण आदि का भी प्रदर्शन किया गया है ना? बुद्ध से संबंधित जो घटनाएं थी उन सभी का प्रदर्शन जो है प्रस्तर मूर्तिकला के द्वारा किया गया है। और प्रस्तर मूर्तिकला जो है हाथ से बनाई जाती थी, काले बिसाल्ट पत्थर से। ठीक है, अब देखते हैं मृण मूर्तियां। देखिए मृण मूर्तियों के अधिकांश अवशेष अंतिचक विक्रमशिला महाविहार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से? विक्रमशिला महाविहार से। और मृण मूर्तियों का प्रयोग सजावट के लिए होता था। ठीक है, जैसे कि देखिए हाथ में आईना लिए श्रृंगार करती स्त्री की जो मृण मूर्ति मिली है, ये मृण मूर्तियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ आलोचना भी आता है, पर उसे आप जो है लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन के तौर पर आलोचना ना लिखें तो ज़्यादा बेटर है। वैसे अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये था हम लोग का पालकला। उम्मीद है इसमें जो भी बातें लिखी गई है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।